Dear students, today we will start discussing polymer chemistry and the very first unit in this is the introduction to polymers. So our today's topic of discussion will be introduction to polymers. Polymers, as the name indicates, the word is made up of two words, poly plus mer. Poly means many, mer means molecules. So, polymers are nothing but they are the macromolecules made up of many small molecules. छोटे छोटे molecules आपस में join करते हैं, एक giant molecule, बहुत बड़ा molecule बनाते हैं, and that molecule is called polymer. And its speciality is कि very high molecular weight होता है इसका, greater than 1000. 1000 से लेके लाख दो लाख तक जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसके बाद आपके सिलेबस में ब्रीफ हिस्ट्री है, वो किताब में दी हुई है, उसमें देखना है कौन सा पॉलीमर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया. थोड़ा बहुत याद करने की चीज़ें जो है, कोई नोबेल प्राइज़ विनर है उसका नाम, बाकी समझाने का इसमें कुछ नहीं है, वो आपने खुद देख लेना है, नोट्स बनाने हैं इन सब के. उसके बाद आपके आता है बेसिक कॉन्सेप्ट के, भाई पॉलीमर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलीमर में हमको पता क्या क्या होना चाहिए ताकि हमको पॉलीमर समझ में आ जाए. सो वेरी फर्स्ट इज पॉलीमराइजेशन टर्म, पहली जो है दैट इज पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन जैसे नाम बता ही रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स. सिंपल मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके पॉलीमर बना सकते हैं, उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? मोनोमर्स. सो वी कैन से पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए ज्वाइंट मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल इथीन है आपका, एन मॉलिक्यूल्स अगर उसके हमने लिए तो पॉलीथीन बन गया. सिमिलरली जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स हैं ज्वाइन करके पॉलीमर ही बनाएंगे. नो, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे. पॉलीमर बनने के लिए तो 1000+ चाहिए माना मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ने चाहिए. 1000 उससे नीचे रह जाए अगर तो उसको हम पॉलीमर तो नहीं कहेंगे, मोनोमर भी नहीं हो रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ओलिगोमर्स. लो मॉलिक्यूल जिसमें लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो उसको क्या कहते हैं? ओलिगोमर्स. सो द पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट इज कॉल्ड ओलिगोमर्स. फिर पॉलीमर्स जो है, हालांकि क्लासिफिकेशन इसकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी पॉलीमर दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरली होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स. होमोपॉलीमर्स वो हैं जिसमें आइडेंटिकल मोनोमर्स हों. बोलने का मतलब जैसे पॉलीथीन है तो उसमें इथीन ही है, इथीन 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 आपस में जुड़ी हुई है तो पॉलीथीन बन रही है, एक ही तरह के मोनोमर्स हैं. और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स. दो या दो से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर. जैसे नायलॉन 6,6 है, इसमें दो तरह के हैं मोनोमर्स, एक एडिपिक एसिड होता है और दूसरा हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है. सो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर.